उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने बड़े भाई से एक अंतिम डिमांड रख रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों को पटना बुलाया और सबके सामने नीतीश कुमार के सामने एक डिमांड रखा, प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी शर्त रख दिया। दरअसल कुशवाहा अब राजनीति शर्त पर डिमांड पर ही करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक जयंती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग भी किया, कहा कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि अब उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि सम्राट अशोक की विरासत जहां से चली, सम्राट अशोक ने जिस जगह से भारत का जो आज स्वरूप है उससे भी ज़्यादा जगह पर शासन किया, तो अब पटना में कहीं ना कहीं सम्राट अशोक को लेकर कुछ ऐलान होना चाहिए। दरअसल पटना में सम्राट अशोक के माफ कीजिएगा पटना को सम्राट अशोक के नाम पर कर देना चाहिए और पाटलिपुत्रा उस समय की जो बातें थी, पाटलिपुत्रा उस समय जो नाम था वो किया जाना चाहिए। स्पष्ट तौर पर सम्राट अशोक पाटलिपुत्रा के नाम से और पाटलिपुत्रा सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसे में अब पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने ये मांग भी रखा। सुनवाते हैं वो वीडियो कैसे नीतीश से अपनी डिमांड को रख रहे हैं। जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं, हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सब लोग उस धरती पर खड़ा होकर सम्राट अशोक के चरणों में सर झुका रहे हैं जिस धरती पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यही धरती है पटना की धरती। तब पटना नाम से यह धरती नहीं जानी जाती थी, पाटलिपुत्र के नाम से यह धरती जानी जाती थी। आज हम सम्राट अशोक की विरासत को फिर से आगे बढ़ाने की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो नींव जहाँ से सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो नींव थी, यहीं से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की उससे कई गुना ज़्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोगों का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें, और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। पटना का नाम पाटलिपुत्र होना ही चाहिए। कई लोग जो दूसरे देश के लोग भी आते हैं, अनजाने आकर चले जाते हैं, अगर ठीक से उनको न बताया जाए या अलग से उन्होंने अध्ययन न किया हो तो पटना से आकर वापिस चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि सम्राट अशोक की यही धरती रही है, सम्राट अशोक का यही जन्म स्थान रहा है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इंतजाम तो होना ही चाहिए कि कोई भी विदेशी भी यहाँ आए तो पटना में पैर रखने के पहले उसको पता चल जाए कि यह धरती सम्राट अशोक की धरती रही है, और इसलिए जरूरी है कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाना चाहिए। जब हमने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने के पहले इन मांगों को हम उठाते रहे। अब जब हमने पार्टी बनाई है और सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमारा यह भी दायित्व बनता है कि सम्राट अशोक की विरासत आगे मजबूती से बढ़े, जन जन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।